हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन, वी आर ऑन नाउ पार्ट 10 द स्टोरी विलेज पालमपुर। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे, पेज नंबर 9 पे आ जाइए आप लोग, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि जो फार्मिंग करनी है तो उसके लिए कैपिटल, पैसा कहाँ से आएगा। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए, मान लीजिए कि एक फार्मिंग के लिए कैपिटल, उसका ट्रैक्टर भी कैपिटल है, लेकिन ट्रैक्टर अल्टीमेटली कहाँ से आएगा, पैसे से तो आएगा। तो हम मान सकते हैं कैपिटल का मतलब पैसा है जो फार्मिंग के लिए चाहिए, इनपुट जो फार्मिंग के लिए चाहिए ताकि आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। तो देखिए, लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर के लिए तो ये चीज़ होती है कि उनकी वो इतना कमा लेते हैं, इतना सक्षम है खुद कि अपनी सेविंग्स का यूज़ करके कैपिटल बना लेते हैं, अपने ट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, बीज वगैरह हैं, जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं उसको खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्मॉल फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर हैं, क्या छोटे खेत हैं, वो कैपिटल कहाँ से लाएँ, सोइंग पीरियड में, जब वो सोइंग का पीरियड आया, जब उनको फसल बोनी है, तो जो खर्चे हैं वो लोग कहाँ से करें उसको। गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बैंकों तक पहुंच नहीं है। आज भी सरकार बहुत जोर डालती है कि कर्ज बैंकों से लिया जाए, कारण क्या होता है, लेकिन ये लोग बैंकों क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ वो पेपर वर्क है, वहाँ हमारी कोई सुनेगा नहीं, कागजों पे साइन करने होंगे, कागज इधर से उधर लेके जाने पड़ेंगे, एक थिंकिंग वैसी है। तो ये लोग क्या करते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो कि वो मनी लेंडर्स वगैरह बड़े फार्मर्स के पास जाते हैं उसके लिए, और वो लोग इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, देखते हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी भी कागज़ पर अंगूठा लगा लिया और कितनी भी इंटरेस्ट ले लिया, इन लोगों को मतलब क्या है, फांस लेते हैं एक तरह से। कर्ज दिया 10,000 का, ब्याज 20,000 का लग गया उसके ऊपर, तो ये कभी ज़िंदगी भर चुका नहीं पाते, ज़िंदगी भर चुका नहीं पाते तो उनकी फील्ड में काम करते रहते हैं फ्री में, और उनको इस तरह बांध देते हैं कि ज़िंदगी भर ये कर चुके ही नहीं और ये हमारा काम करते रहे फ्री में, दिया 10,000 था, काम 50,000 का करवा लिया। तो ये चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन होती है, मनी लेंडर वगैरह, ट्रेडर वगैरह करते हैं, हम लोग ये तो पढ़ते आ ही रहे SST में। अब इसलिए गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही, गांव में बैंक हो, बैंकों तक हर किसान की पहुंच हो, धीरे धीरे हर घर के हर गरीब आदमी वहां तक पहुंचे और पूरे प्रोसीजर से लोन ले, क्योंकि जो बैंकों से लोन ले रहा है तो उसमें दो फायदे हैं, कि एक तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा फार्मर का, मनचाही रेट नहीं लग रही उसमें इंटरेस्ट की, दूसरी बात ये गवर्नमेंट का पैसा भी घूम रहा है बाजार में। एक आप मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं, वो आपसे एक्सप्लॉयटेशन भी करता है, फिर उसी का पैसा है गवर्नमेंट लोन देगी तो गवर्नमेंट का भी उसमें फायदा है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमाएगी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना भी कमाएगी गवर्नमेंट का पैसा बाजार में घूमेगा, बैंकों की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे अच्छा असर पड़ेगा, इधर किसान को भी सस्ता कर्ज मिलेगा, तो गवर्नमेंट इसका पूरा ध्यान रख रही है अब धीरे धीरे। फिर भी जो गरीब किसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, गाँव में आज इन पर ही डिपेंड है। तो इसलिए मैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग आपको बताऊंगा पहले उसमें क्या है, लेकिन पहले ये ब्लू बॉक्स में जो स्टोरी है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सविता की स्टोरी, सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, उसके बाद मात्र 1 हेक्टेयर लैंड है, छोटी जमीन है, स्मॉल फार्मर है, 1 हेक्टेयर लैंड है। अब सोइंग का पीरियड आया, जब बीज बोने हैं, तो उसको लगा कि मुझे कम से कम 3,000 रुपये चाहिए बीज लाने के लिए, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं, वर्किंग एक्सपेंसेस, उसके लिए 3,000 रुपये की आवश्यकता है उसको। तो उसने क्या करा, एक तेजपाल सिंह है, तेजपाल सिंह है लार्ज फार्मर, उससे मनी बोरो कर लिया। अब उसने इंटरेस्ट लगाया 24% 4 महीने का, 24% 4 महीने का इंटरेस्ट, बताइए, बैंक लगा था 10-12% पर एनम, पर साल का, ये 24% भाई साहब 4 साल का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, सॉरी 4 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जिस तरह से हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सविता पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पता ही नहीं बैंकों में सस्ता कर्ज है, बैंकों तक पहुँचना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए वो उससे पैसा उधार ले लेती है। अच्छा, इसी के साथ कर्ज तो वो दे ही रहा है, क्या कह रहा है कि उसको तेजपाल सिंह के फील्ड पर काम भी करना पड़ेगा और रोज मात्र 100 रुपये मिलेंगे, कितने 100 रुपये, गवर्नमेंट ने कितने तय कर रखे हैं 300 रुपये, यानी कि बिल्कुल 1/3, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 300 से डायरेक्ट 100 रुपये उसको पूरे फील्ड पे मिलेंगे। सविता एक लेडी है जो 3 बच्चों की माँ है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पहले तो अपनी फील्ड पर काम करें, क्योंकि जो 3,000 कर्ज लिया है, पैसा लगा दिया, अब अपनी फील्ड पर भी काम करना है, फिर अपने फील्ड पर काम करके ऐसे हार्ड टाइम में, फिर वो तेजपाल सिंह के फील्ड पे जाती है, वहाँ काम करती है, फिर घर पे आके मील्स वगैरह, खाना वगैरह बनाती है और अपनी फैमिली को संभालती है। तो हम देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है स्मॉल फार्मर्स का, एक तो कर्ज महंगा मिला, फिर वो बंधुआ मजदूरी हुई, एक तरह से प्रॉमिस किया उसने कि 100 रुपये डेली वेज पे मैं काम करूंगी तुम्हारी फील्ड पे, तेजपाल सिंह की फील्ड पे, खुद की फील्ड पे काम करती है आके, और फिर आके बच्चों को संभालती है, तो काफ़ी हार्डशिप्स हैं उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। अब देखिए इसमें लिख रहा है जो पॉइंट है 102 है ना, कैपिटल इंडियन फार्मिंग में, मैं लिखा देता हूं इसको। तो स्मॉल फार्मर की पहले बात करते हैं, स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, इसमें आप लोग लिखेंगे स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, दे बोरोस फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, कॉमा विलेज मनी लेंडर्स,
village money lenders, village money lenders, full stop. The rate of interest on such loans is very high. The rate of interest on such loans is very high. जो ब्याज की दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, भारी मात्रा में ब्याज लिया जाता है उनसे. जैसे हमने पढ़ा 24% चार महीने का जो सभी तरह से लिया जा रहा है. मनी लेंडर्स की स्पेलिंग है MONEYLENDERS, ठीक है. और इसमें ये तो स्मॉल फार्मर की बात ही हुआ करते हैं. बोरिंग्स पे डिपेंड है किससे बोरो करते हैं, या तो लार्ज फार्मर से कर लेते हैं या मनी लेंडर्स वगैरह से कर लेते हैं. मनी लेंडर्स का काम भी ये पूरा एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड होता है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाना और कभी कर्ज चुके ही ना, और फिर वो जो भी चीज गिरवी वगैरह रखते हैं उसको बेच देते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो गलत व्यवहार उनके साथ होता है. और लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर क्या करते हैं, तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फॉर फार्मिंग. ओन OWN, ओन मतलब खुद की, उनकी खुद की सेविंग्स होती है, उससे वो लगा लेते हैं. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. दस की स्पेलिंग THUS. तो वो इसलिए आसानी से जो कैपिटल उनको जरूरत चाहिए जरूरत होती है वो अपनी सेविंग में से निकाल के लगा लेते हैं, और उसके अलावा अपनी सेविंग में से कैपिटल खुद की भी लगा लेते हैं, और स्मॉल फार्मर्स को कर्ज भी देते हैं वो लोग, है ना. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल फार्मर्स का पैसा कहाँ से आता है, बोरिंग से आता है, और लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर अपनी सेविंग्स पर डिपेंड होते हैं. अभी सेविंग्स आती कहाँ से, ये अगला जो आपका लोगों का टॉपिक आएगा पेज नंबर 10 पे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होगा, देखिए पूरी एक चेन चली आती है, मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे ये अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट क्या है. पहले आप लोगों ने होपफुली ये लो लिख लिया होगा. थैंक यू.